ऑल इज़ वेल डियर स्टूडेंट्स, सभी अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार। जो लास्ट अभी पूरा 3 मंथ्स की ये जो क्लासेस चली है ऑनलाइन क्लासेस, इससे हम एज अ मैनेजमेंट मेंबर बहुत खुश हुए कि जिस तरह से स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रहा है और जो रेगुलरिटी स्टूडेंट्स की रही है, जो अटेंडेंस रही है, वो काबिले तारीफ है। इस सब से भी जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे सारे टीचर्स कैंपस में ही आकर ऑनलाइन भी बच्चों को जिस तरह से पढ़ा रहे थे, और वो किसी भी तल पे कहीं कमतर नहीं था ऑफलाइन से। इतनी लाइव क्लासेस चल रही थी, और इस लाइवलीनेस को मैक्रोविजन हमेशा सैल्यूट करता है, क्योंकि लर्निंग एजुकेशन कभी भी मैकेनिकल नहीं हो सकता है, ये हमेशा ही एक जीवंत प्रक्रिया है। और मैक्रोविजन के सारे स्टाफ मेंबर्स, सुखवानी सर, परमार सर, सारे हमारी फैकल्टीज़, मैथमेटिक्स की फैकल्टीज़, बायोलॉजी फैकल्टीज़, केमिस्ट्री फैकल्टीज़, फिज़िक्स कॉमर्स स्ट्रीम, बायोलॉजी स्ट्रीम, इसके साथ साथ जो हमारे एनसीईआरटी के टीचर्स, हमारा जो नॉन टीचिंग मेंबर्स, जितना भी टेक्निकल हमारा यहाँ हैंड्स है, वो सारे बहुत एक्टिव रहे। और इनको मैं बहुत करीब से देखती थी कि कहीं भी इन्होंने ये नहीं फील किया कि बच्चे नहीं हैं तो कुछ लेवल हमें नीचे ले जाना है। इनका पढ़ाने का लेवल, होमवर्क चेक करने का लेवल, अटेंडेंस लेने का लेवल, ये हमेशा ऑन टोस रहे। तो मुझे बहुत खुशी होती है अपनी टीम पे, क्योंकि इस तरह की टीम जो इतने डिस्टेंस पे बच्चे हैं उनको भी बहुत लाइव पढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, दिलों में आग नज़र में गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पर नई पहचान रखते हैं, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने विजन में कई आफ्ताब रखते हैं। और अपने प्यारे बच्चों के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपकी क्लासेस अभी बंद हो रही है, लेकिन लर्निंग नहीं बंद होना चाहिए। मैं हमेशा से ही बच्चों के इंटेलिजेंस को बहुत सलाम करती हूँ, क्योंकि कहीं फैकल्टी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा हमेशा अपने साथ कभी 5 सब्जेक्ट, कभी 7 सब्जेक्ट, कभी 6 सब्जेक्ट की तैयारी करता है, और कई बच्चे हर एक सब्जेक्ट में एक्सेल करते हैं। तो अभी आप लोगों का कुछ दिन का एक छोटा सा ब्रेक लगा है, बहुत नॉमिनल होमवर्क है, वो तो आप हंसते खेलते यूं ही कर लोगे। इसके साथ साथ अभी दुनिया को आपकी इस एनर्जी की, आपके इंस्पिरेशन की, किसी छोटे से ढंग से, कभी मुस्कुराहट से, कभी कोई छोटे से वीडियो से, आप अपने घर से लेके अपने मोहल्ले में आसपास कहीं भी जो खुशियाँ आप बिखेर सकते हो, उसका एक भी मौका ना छोड़िए। कई बच्चों में कुछ टैलेंट होता है, कुछ छोटे छोटे वीडियोस आप बना के अपलोड कर सकते हैं। अभी दुनिया को बच्चों की इस पॉजिटिविटी की, बच्चों की इस जीवंतता की, बच्चों की इस खुशियाँ की बहुत ज़रूरत है। तो सारी लर्निंग हमेशा ज़रूरी नहीं है ऊपर से नीचे होती है, कई चीज़ें हैं जो बच्चे दुनिया में बिखेर सकते हैं, और उसमें सबसे पहले है ये जीवंतता, ये खुशियाँ। तो प्लीज़ कीप ऑन दिस लर्निंग, और बेहतर कुछ अच्छे वीडियोस बनाएं, बहुत अच्छे वीडियोस आप बना सकते हैं, और जो अच्छे वीडियोस हैं वो मैक्रोविजन भी अपने पोडियम से शेयर करेगा। सो थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू।